इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड क्षेत्र के कोदवरिया पंचायत अमृत सरोवर स्थित सामुदायिक भवन में रविवार को प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुखिया संघ अध्यक्ष सह मुखिया ललन सिंह ने कहा कि सरकार पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा योजनाओं के चयन एवं 60-40% रेशियो को नजरअंदाज कर कार्य करवाया जा रहा है, जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है। मुखिया प्रतिनिधि शैलेंद्र महतो ने कहा कि सरकार पंचायत के विकास के लिए पर्याप्त राशि भेज रही है, लेकिन इस्लामनगर अलीगंज पीओ के द्वारा राशि पंचायत प्रतिनिधियों के बिना जानकारी दिए वापस लौटा दी जा रही है। मुखिया जनार्दन यादव ने कहा कि पीओ की मनमानी व लापरवाही से पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है। मुखिया प्रतिनिधि सोनू कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत के विकास के लिए पंचायती राज का गठन कर मुखिया सहित अन्य पदों का सृजन किया था, लेकिन स्थानीय अधिकारी उनके हक व अधिकार की कटौती करने पर तुली हुई है। मुखिया दिलीप रावत ने कहा कि 2 वर्षों से 40% की रेशियो यानी पक्की कार्य प्रखंड क्षेत्र में किसी भी पंचायतों में नहीं किया गया। कोदावरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव ने कहा कि मुखिया 70 पंचायत समिति 15 तथा जिला परिषद 15% लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अधिकारी उसके नियम के विपरीत कार्य कर रही हैं, जिसे मुखिया संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो आज मुखिया संघ के अलीगंज प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो बैठक आहूत की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि मुखिया द्वारा आपके कार्य में कटौती करना, मुखिया का भेलना करना, काम मुखिया के काम को ठीक ढंग से नहीं चलाना, यही सब हाल की। जो मनरेगा के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसका भुगतान समय पर नहीं होता, नहीं होता है। कार्यक्रम पदाधिकारी मनमानी करते हैं जी, पैसा वापस जाता है।